जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में नाटक विधा से संबंधित। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाए हैं आज की क्लास में, उससे पहले हम आपके लिए बता दें हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से। जो भी ये टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहता है मात्र 299 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हैं। 4700 प्रश्न होंगे, ये नंबर दिया गया, इस पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस वाले ऐप पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लें और जो भी परचेस करना चाहते हैं तो वह परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिए। कल्पना जी, लवली जी, सुनीत जी, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है काला मोह नाटक के लेखक आपके लिए बताना है। ये नाटक किनका माना जाता है, चार विकल्प आपके दिए गए हैं, सभी लोग कमेंट में आंसर जरूर चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है काला मोह, भगवान दास मोरबाल, गोविंद चातक या फिर रामकुमार भिरमर या फिर उदय शंकर भट्टे। सुमन जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 पूछा गया है, 51 का सही राइट आंसर बताना है आप सभी के लिए। तो नीतू जी, विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, गोविंद चातक। गोविंद चातक जो है इनका जो है नाटक माना जाता है कौन सा, काला मोह है। बिल्कुल सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, आप सभी का सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 52वां क्वेश्चन है, नेफा की एक शाम के नाटककार कौन है। 52 का सही राइट आंसर बताइए, नेफा की एक शाम के नाटककार कौन माने जाते हैं। राजेंद्र कुमार वर्मा है, ज्ञानदेव अग्निहोत्री है, अमृत राय है या सुरेंद्र वर्मा है। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है और 52 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है, नेफा की एक शाम के नाटककार कौन माने जाते हैं। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है ज्ञानदेव अग्निहोत्री। ज्ञानदेव अग्निहोत्री आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, ज्ञानदेव अग्निहोत्री जिन्होंने भी चयन किया विकल्प नंबर बी, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। नेफा की एक शाम में ज्ञानदेव, नेफा की एक शाम में ज्ञानदेव, तो ये जो है ज्ञानदेव अग्निहोत्री की रचना मानी जाती है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री के किस नाटक में नेहरू कालीन राजनीति पर चोट किया गया है, चोट किया गया वह आपके लिए नाटक बताने कौन सा वह नाटक है। मुकुंद जी, नेफा की एक शाम, वतन की आबरू, शुतुरमुर्ग या फिर चिराग जल उठा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 53 पूछा गया है, 53 में आपके लिए सही आंसर चयन करना है, क्या होगा सही राइट आंसर। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का कौन सा नाटक है जिसमें नेहरू कालीन राजनीति पर चोट किया गया है। शुतुरमुर्ग यहाँ पर आप सभी का विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा, शुतुरमुर्ग आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया, विकल्प नंबर सी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 54 पूछा है, ना धर्म ना ईमान नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं। ना धर्म ना ईमान, रेवती शरण शर्मा है, ज्ञानदेव अग्निहोत्री है, रमेश बख्शी है या फिर हमीदुल्ला है। 54 का सही राइट आंसर चयन करना है, रमा जी, मोहित जी, क्या होगा सही राइट आंसर बताइए। ना धर्म ना ईमान नाटक के लेखक आपके लिए बताना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, क्या होगा सही राइट आंसर, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक सही राइट आंसर है, रेवती शरण शर्मा, रेवती शरण शर्मा आप सभी का सही आंसर होगा, इन्हीं का नाटक माना जाता है ए ना धर्म ना ईमान। नीलाम घर नाटक के नाटककार आपके लिए कौन माने जाते हैं, राजेंद्र यादव, राजेंद्र कुमार शर्मा, मणि मधुकर या फिर विपिन कुमार अग्रवाल या रमेश बख्शी, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, 55 में सही राइट आंसर चयन करना है, चार विकल्प दिए गए हैं, नीलामघर नाटक के नाटककार कौन माने जाते हैं और आप सभी का सही राइट आंसर है कि राजेंद्र कुमार का नीलाम है घर, राजेंद्र कुमार का नीलाम है घर, तो नीलामघर के नाटककार माने जाते हैं कौन, राजेंद्र कुमार शर्मा, विकल्प नंबर एक आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, जिन्होंने ए चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 56 है, सुरेंद्र वर्मा का कौन सा नाटक दुष्यंत और शकुंतला के आचरण पर आधारित है, बताइए।
भाई नाटक आपके लिए बताना है द्रौपदी है, सेतु बंद है, नायक खलनायक विदूषक है या फिर आठवां सर्ग है। तो आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन मनीषा जी। और आप सभी का सही आंसर है सुरेंद्र वर्मा का कौन सा नाटक दुष्यंत और शकुंतला के आचरण पर आधारित है। 56 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर जो आपका सी है भाई, आप सभी का सही राइट आंसर होगा नायक खलनायक विदूषक, ये वाला विकल्प जो है सही राइट आंसर होगा। नायक खलनायक विदूषक आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। और सुनीत जी बिल्कुल सही, जिन्होंने भी सी चयन किया उनका सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 पूछा गया है सुरेखा और मनमोहन सुरेंद्र वर्मा की किस नाटक के पात्र हैं? बताइए सुरेखा और मनमोहन बताना है द्रौपदी के पात्र हैं, आठवां सर्ग, एक दूनी एक या फिर सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 57 पूछा गया है और 57 में आपके लिए सही राइट आंसर चयन करना है। और आप सभी का सही राइट आंसर होगा सुरेखा और मनमोहन सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक के पात्र माने जाते हैं? तो वो बिल्कुल सही 57 में विकल्प नंबर आपका जो यहाँ पर एक है द्रौपदी, वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर एक, आप सभी का सही राइट आंसर है बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 58 है देवरानी देवयानी का कहना के नाटककार कौन माने जाते हैं? देवयानी का कहना बताइए, हमीदुल्ला, भीष्म साइनी, रमेश बख्शी या फिर मणि मधुकर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है 58वां क्वेश्चन और 58 में आप सभी का सही राइट आंसर है कि देवयानी का कहना नाटककार कौन माने जाते हैं इसके। तो 58 में आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है विकल्प नंबर सी यानी कि रमेश बख्शी, रमेश बख्शी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। देवयानी का कहना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, देवयानी का कहना, इनका क्या कहना है, रमेश को बख्श दो, रमेश को बख्श दो, देवयानी का कहना है रमेश को बख्श दो। तो रमेश बख्शी इसके जो है नाटककार हो जाएंगे देवयानी का कहना की, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, तीन अपाहिज नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तीन अपाहिज सुशील कुमार से हैं, हमीदुल्ला है, दया प्रकाश सिन्हा है, विपिन कुमार अग्रवाल है। 59वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 59 में सही राइट आंसर बताइए। पूजा जी, देवव्रत जी आप सभी का सही राइट आंसर है तीन अपाहिज और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है विपिन कुमार अग्रवाल, लगा दीजिएगा विकल्प नंबर आपका जो डी है वह सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही 59 में डी, जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 60 पूछा गया है, देखिएगा नांग फांस के नाटककार कौन है? नांग फांस इसके नाटककार आपके लिए बताने, शंकर शेष है या फिर सुशील कुमार से है या फिर बलराज पंडित है या फिर असगर वजाहत है। 60 का सभी लोग चयन करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होगा इसका सही राइट आंसर? नांग फांस के नाटककार कौन माने जाते हैं? और 60 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है सुशील कुमार से है, सुशील कुमार से आप सभी का बिल्कुल सही विकल्प नंबर बी, जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है जो कि बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए अंश जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 61 आपसे पूछा गया है, मणि मधुकर का कौन सा नाटक कबीर दास के व्यक्तित्व पर आधारित है? वह नाटक आपके लिए बताना है रस गंधर्व है, एक तारे की नाक, बुलबुल की सराय या फिर खेला पोलमपुर। बताइए मणि मधुकर का वह नाटक आपके लिए बताना है जो कबीर दास के व्यक्तित्व पर आधारित है। और 61 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा, निशा जी क्या होगा सही राइट आंसर? विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, एक तारे की आंख, एक तारे की आंख आपका यहां पर सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहां पर बताया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, कथा एक कंस की नाटक के लेखक कौन है? बताइए कथा एक कंस की नाटक है, ए दया प्रकाश सिन्हा का है, हमीदुल्ला, शंकर शेष या फिर गिरिराज किशोर का, किनका है?
क्वेश्चन नंबर 62 आपसे पूछा गया है और 62 में आप सभी का सही राइट आंसरों का महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है और 62 में आप सभी लोग बता रहे हैं दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा आपका यहाँ पर सही राइट आंसरों का कथा एक कंस की है, कंस की कथा है एक, और बिल्कुल सही राइट आंसर है दया प्रकाश सिन्हा कथा एक कंस की, इन्हीं का नाटक माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 63 आपका यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक शंकर शेष का नहीं है, बताइएगा। 63वां क्वेश्चन है एक और द्रोणाचार्य, इतिहास चक्र, घनवंदा या फिर अरे मायावी सरोवर, चयन कीजिएगा क्या होगा सही राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से बताना है कौन सा नाटक शंकर शेष का नहीं है, नहीं पूछा है तो विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसरों का, यानी कि बी में घनवंदा आपका यहाँ पर सही, बी में इतिहास चक्र होगा सही राइट आंसर, बिल्कुल सही इतिहास चक्र, जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर है इतिहास चक्र आपका सही राइट आंसर, बहुत बढ़िया सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका पूछा गया है 64वां क्वेश्चन है बंधन अपने अपने की नाटककार कौन है, बताइए मणि मधुकर या फिर शंकर शेष या फिर दया प्रकाश सिन्हा या फिर दूधनाथ सिंह, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। तो आप सभी का सही आंसर होगा बंधन अपने अपने के नाटककार कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर 64 में आपका राइट आंसर की बंधन, जिनके शेष रह गए हैं बंधन वह अपने अपने बंधन बांध लें, बंधन जिनके शेष रह गए हैं वह अपने अपने बंधन बांध लें, शेष से शंकर शेष हो जाएंगे, बंधन अपनी अपनी नाटक विधा की रचना है, विकल्प नंबर आपका बी जो है वह आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 66 पूछा गया है 65 है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक गिरिराज किशोर का नहीं है, बताइए ये यमगाथा, नर्मेद, बादशाह हुसैन बेगम या फिर बादशाह गुलाम बेगम या गांधी को फांसी दो, बताइए क्या होगा। प्रीति जी, ममता जी सही राइट आंसर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। रितेश जी, कौन सा नाटक गिरिराज किशोर का नहीं है और आप सभी का यहाँ पर 65 में सही राइट आंसर आ रहा है यमगाथा। यमगाथा आपका विकल्प नंबर एक जो है वह सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है, यमगाथा जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 आपसे पूछा गया है कि पांचवा सवार के नाटककार कौन माने जाते हैं, बताइए टमाटर जी क्या होगा सही राइट आंसर। पांचवा सवार तो डॉक्टर विनय है या फिर बलराज पंडित हैं या फिर शिव मूरत सिंह है और या फिर असगर वजाहत हैं, तो 66वां क्वेश्चन है और 66 में आप सभी का सही राइट आंसर है क्या राइट आंसर, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है कि विकल्प नंबर 66 में डी राइट आंसर लगा दीजिएगा, असगर वजाहत। असगर वजाहत आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, डी वाला विकल्प है, सॉरी डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है गॉडसे गांधी कॉम नाटक के लेखक आपके लिए बताना है कौन है, डॉक्टर विनय है या फिर ललित कुमार सहगल हैं, असगर वजाहत हैं या फिर शरद जोशी हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 67 पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग चयन करेंगे क्या होगा सही राइट आंसर 67 में। तो आप सभी का क्या है सही राइट आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर है 67 में आपका, विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा असगर वजाहत। असगर वजाहत आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने चयन किया है। क्वेश्चन नंबर 68 आपसे क्या पूछा गया है, देखिए 68वां क्वेश्चन है तिलचट्टा बताना है इस नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं, चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी लोग यहां पर चयन कीजिएगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है आप सभी का यहां पर, क्या है सही राइट आंसर,
और आप सभी का सही राइट आंसर है 68 में, जिन्होंने विकल्प नंबर बी चयन किया। मुद्रा राक्षस तिलचट्टा नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं? मुद्रा राक्षस माने जाते हैं, विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, आला अफसर के नाटककार कौन माने जाते हैं? बताइएगा आला अफसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, चार विकल्प आपके दिए गए हैं, इनमें से आपको चयन करना है सही राइट आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा आला अफसर पूछा है, जो कि विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। तो बहुत बढ़िया, सभी लोग यहाँ पर विकल्प नंबर 69 में जो चयन किए हैं, एक उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है मुद्रा राक्षस। आला अफसर को जो है आला अफसर को राक्षस खा गया, आला अफसर को राक्षस खा गया, तो मुद्रा राक्षस आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है 69 में, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 आपसे पूछा गया है, ब्रजमोहन साय का कौन सा नाटक हिंदी का गिनीफिकेंट नाटक के नाम से जाना जाता है? बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 70 है और 70 का सही राइट आंसर क्या होगा, त्रिशंकु है या फिर युद्धमन है या फिर अगला विकल्प है सह ए मात या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, ब्रजमोहन साय का कौन सा नाटक हिंदी का गिनीफिकेंट नाटक के नाम से जाना जाता है? तो 70 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर जिन्होंने भी चयन किया है यहाँ पर सी, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, यानी कि सह ए मात आपका सही राइट आंसर होगा, सह ए मात होगा विकल्प नंबर सी वाला सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला देखते हैं क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71वां क्वेश्चन दिया गया है, नरेंद्र मोहन के किस नाटक में हिंदुस्तान के बंटवारे की त्रासदी का चित्रण किया गया है? 71 में आपके लिए चयन करना है कौन सा वह नाटक है, कहते कबीर सुनो भाई साधु या फिर सिंहधारी अभंग गाथा नो मैंस लैंड, बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण, 71वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नरेंद्र मोहन के किस नाटक में हिंदुस्तान के बंटवारे की त्रासदी का चित्रण किया गया है? और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर 71 में विकल्प नंबर डी नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड आपका सही राइट आंसर होगा, पापा की शेरनी मुनेश जी, बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर चार जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे 72 पूछा गया है, रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक दंगों पर आधारित है? वह नाटक आपके लिए बताना है चारपाई है, अज्ञात घर है, कैंप है या फिर शस्त्र संतान है, वह नाटक आपके लिए बताना है रामेश्वर प्रेम का 72 में कौन सा वह नाटक है, बताइए। तो आप सभी का सही राइट आंसर है कि रामेश्वर प्रेम का वह नाटक है कौन सा जो दंगों पर आधारित है, तो जब दो दंगा होते हैं तो लोग जो है अज्ञात घर में भी घुस जाते हैं, तो अज्ञात घर आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका जो बी है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, जिन्होंने यहाँ पर दो चयन किया उनका राइट आंसर है चौराहा नाटक के लेखक आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं, सुदर्शन मजीठिया है, रामेश्वर प्रेम है, राजेश जैन है, नंद किशोर आचार्य है। एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, लाइक अवश्य कर लें। रोज आपके लिए 10 बजे रात्रि में क्लास लाई जाती है हिंदी साहित्य की, और चौराहा नाटक पूछा गया है लवली जी और वीके जी, तो आप सभी का सही राइट आंसर है कि सुदर्शन मजीठिया, सुदर्शन मजीठिया आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। तो विकल्प नंबर एक आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, 74वां क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरु यताति और शर्मिष्ठा देवयानी किस नाटक के पात्र हैं? बताइए, देहांतर, पागलगर या फिर जिल्ले सुभानी या फिर गुलाम बादशाह है,
क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 74वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है 74 में कि जो पात्र दिए गए हैं किस नाटक के पात्र माने जाते हैं, तो देहांतर आपका विकल्प नंबर एक जो है वह सही राइट आंसर होगा। देहांतर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है विकल्प नंबर ए वाला जो है सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 75 यहाँ पर पूछा गया है कि मोनालिसा की मुस्कान के नाटककार कौन माने जाते हैं, बताइए नांग बोडस हैं या फिर नंद किशोर आचार्य हैं, कृष्ण बलदेव वैद्य हैं या फिर ब्रज मोहन साय हैं। चयन करना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और सुनीत जी बिल्कुल क्या होगा सही राइट आंसर, 75वां क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा कि यहाँ पर मोनालिसा की मुस्कान के नाटककार कौन माने जाते हैं, तो विकल्प नंबर 75 में जो सी है वह सही राइट आंसर होगा, कृष्ण बलदेव वैद्य। कृष्ण बलदेव वैद्य आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर जो है चयन किया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए रॉली जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे 76वां क्वेश्चन पूछा गया है, कोर्ट मार्शल नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइएगा लक्ष्मी लाल हैं, स्वदेश दीपक हैं या मणि मधुकर हैं या फिर शंकर शेष हैं। चयन कीजिएगा, 76वां क्वेश्चन पूछा गया है कोर्ट मार्शल, तो आप सभी का सही राइट आंसर है, जब अपन कोर्ट जाएंगे तो अपन जो है स्वदेश के ही कोर्ट जाएंगे या विदेश के कोर्ट जाएंगे, तो अपन जो है स्वदेश के कोर्ट ही जाएंगे, तो स्वदेश दीपक जी का जो है ये माना जाता है नाटक कौन सा, कोर्ट मार्शल, बिल्कुल सही राइट आंसर है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर जिन्होंने भी बी चयन किया है, कोर्ट मार्शल के लेखक माने जाते हैं स्वदेश दीपक, बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। खूबसूरत बहु नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं, स्वदेश दीपक हैं, राजेश जैन हैं या फिर नांग बोडस हैं या फिर मणि मधुकर हैं। चयन कीजिएगा, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, विकल्प नंबर 77 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि खूबसूरत बहू को नांग ने डस लिया, खूबसूरत बहू को नांग ने डस लिया, तो खूबसूरत बहू नाटक के लेखक नांग बोडस हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, नांग बोडस, यानी कि विकल्प नंबर आपका सी जो है सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 78 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार नाटक प्रभाकर श्रोत्रिय का नहीं है, वह नाटक आपके लिए बताना है जो प्रभाकर श्रोत्रिय का नहीं है, 78वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अन्वेषक या फिर इला, इन दोनों विकल्प में से ही बता दीजिएगा कौन सा विकल्प यहाँ पर सही राइट आंसर लगाना है, बताइएगा माया जी और बिंदु जी सभी लोग बताएंगे, और आप सभी का सही राइट आंसर है यहाँ पर रितेश जी कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रभाकर श्रोत्रिय का नहीं है, अन्वेषक आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर एक, यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है और उनका जो है सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया विकल्प नंबर एक। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 79वां क्वेश्चन है, तालों में बंद प्रजातंत्र नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं, 79 का सही राइट आंसर चयन करना है, प्रताप सहगल हैं, विभू कुमार हैं, इंद्रजीत भाटिया हैं, विलास गुप्त हैं। 79वां क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, रेणु जी कल्पना जी, तो तालों में बंद प्रजातंत्र, तालों में बंदे प्रजातंत्र नाटक के लेखक आपसे पूछा क्या है, और 79 में आप सभी का सही राइट आंसर है विभू कुमार, विभू कुमार आपका विकल्प नंबर जो बी है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा, 79 में विकल्प नंबर बी वाला जो है सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 80वां क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया कि चाप पार्टियां के नाटककार कौन माने जाते हैं, बताइए चाप पार्टियां, और सही राइट आंसर है 80 में, प्रीति जी 80 का सही राइट आंसर चयन करना है, और आप सभी का सही राइट आंसर है कि चाप पार्टियां नाटक के नाटककार कौन माने जाते हैं, तो ने जो है चाप पार्टियां करके जो है संतोष की प्राप्ति हुई है,
संतोष बोलते हैं ना कि आज की पार्टी के जो है करके बहुत मजा आ गया, संतोष जो है प्राप्त हुआ है। तो विकल्प नंबर आपका जो सी है वह सही राइट आंसर होगा। अच्छा पार्टियां के नाटककार क्या कौन है? संतोष, संतोष कुमार नौटियाल माने जाते हैं। विकल्प नंबर आपका जो सी है वह सही राइट आंसर होगा। दो पैसों की जन्नत नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं? प्रभाकर श्रोत्रिय हैं, अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं, या फिर अस्तानंद सदासे हैं, इंद्रजीत भाटिया हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 81 आपसे पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि लवली जी, राजीव जी की दो पैसों की जन्नत, दो पैसों की जन्नत किसको प्राप्त हुई है? अब्दुल बिस्मिल्लाह को, अब्दुल बिस्मिल्लाह को दो पैसों की जन्नत प्राप्त हुई है। तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा, अब्दुल बिस्मिल्लाह का ये नाटक माना जाता है दो पैसों की जन्नत, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है, निहाल तिवारी जी बिल्कुल नहीं नहीं है ये नाटक आपके। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया 82वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चरणदास चोर के नाटककार कौन माने जाते हैं? बताइए चरणदास चोर, ये तो सभी से बन जाएगा महत्वपूर्ण है। मुद्रा राक्षस है, हबीब तनवीर है, बलराज साहिनी है, या फिर कुंथा जैन है? चरणदास चोर के नाटककार कौन माने जाते हैं? और बिल्कुल सही राइट आंसर है आप सभी का यहाँ पर, चरणदास चोर के नाटककार कौन माने जाते हैं? और 82 में सभी लोग बी बता रहे हैं, हबीब तनवीर, हबीब तनवीर आपका सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिल्कुल सही सभी लोगों का सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ताजमहल का टेंडर नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइए अजय शुक्ला है, अजित पुष्कल है, या फिर त्रिपुरारी शर्मा है, या चंद्रशेखर है? 83 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा। ताजमहल का टेंडर, और यहाँ पर अनिल जी भी आ गए हैं और रेनु जी, क्या होगा सही राइट आंसर? ताजमहल का टेंडर नाटक के लेखक माने जाते हैं अजय शुक्ला जी, अजय शुक्ल माने जाते हैं। अजय शुक्ल आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। पापा की सिरनी, बिल्कुल अपनी ये जो क्लास जो है रात्रि में 10 बजे रोज अपनी ये क्लास होती है, रात्रि में 10 बजे और एक सुबह 9 बजे भी लाइव क्लास होती है, तो उससे भी जुड़िएगा सभी लोग। ताजमहल का टेंडर नाटक अजय शुक्ल जी का माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्रौंचबद्ध काव्य नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? डॉक्टर विनय है, राजेश जोशी है, हंस जी बिल्कुल विजेंद्र स्नातक विजेंद्र हैं, या फिर प्रभात कुमार उप्रेती हैं? बताइए। और आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर कि कौन से बद काव्य नाटक के रचनाकार माने जाते हैं कौन? तो आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है 84 में जिन्होंने भी चयन किया विकल्प नंबर सी, उनका सही राइट आंसर होगा विजेंद्र, विजेंद्र आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। तो विकल्प नंबर आपका बी जो है वह सी जो है आपका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्रौंचबद्ध जो है राजेश जोशी होगा यहाँ पर सही राइट आंसर 84 में, विकल्प नंबर आपका बी वाला जो है सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, राजेश जोशी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है, नहीं क्रौंचबद्ध ये राजेश जोशी का नहीं है, विजेंद्र का ही माना जाता है। विकल्प नंबर सी वाला होगा जो है सही राइट आंसर, सी वाला विकल्प आपका सही राइट आंसर है विजेंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना दीवारों का घर नाटक के नाटककार कौन माने जाते हैं? बताइए बिना दीवारों का घर के कौन माने जाते हैं? चयन करना है सभी के लिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 85 है और आप सभी का सही राइट आंसर है 85 में, रेनु जी, प्रीति जी, क्या होगा राइट आंसर? 85 है, बिना दीवारों का घर नाटक के नाटककार माने जाते हैं कौन? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर भी राइट आंसर है मन्नू भंडारी। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर जिन्होंने बी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है आपसे 86वां क्वेश्चन है, अंत हाजिर हो नाटक की लेखिका कौन मानी जाती है? उषा गांगुली है, या फिर मीरा कांत है, मृदुला गर्ग है, या मैत्री पुष्पा है? बताइए।
क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सभी लोग लाइक अवश्य कर लेंगे एक बार, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक बहुत ही कम लोगों ने किया है। और क्वेश्चन 86 बार पूछा गया है, 86 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो मीराकांत है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। मीराकांत आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, इन्हीं का ये नाटक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया 87वां क्वेश्चन है, यहाँ रहना मना है नाटक की लेखिका कौन मानी जाती है, बताइएगा कुसुम कुमार है या फिर ममता कालिया, मृदुला बिहारी या फिर मैत्री पुष्पा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ रहना मना है 87वां क्वेश्चन है और 87 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा। यहाँ रहना मना है नाटक की लेखिका मानी जाती है कौन, ममता कालिया। यहाँ रहना मना है, अगर आप यहाँ रहे तो ममता जो है कालिया का रूप धारण कर लेंगी, तो यहाँ पर रहना मना है ममता कालिया का ये जो है नाटक माना जाता है। विकल्प नंबर बी आपका सही राइट आंसर होगा मुनीश जी। पवन चतुर्वेदी की डायरी के नाटककार कौन माने जाते हैं, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। मन्नू भंडारी हैं, कुसुम कुमार हैं, मीराकांत हैं, कुसुम लुनिया हैं। तो आप सभी का सही राइट आंसर है, पवन चतुर्वेदी की डायरी के नाटककार कौन माने जाते हैं। 88 में आप सभी का भी राइट आंसर होगा, कुसुम कुमार जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 88 पूछा गया, मृदुला गर्ग के किस नाटक में कालीन बनने के लिए बंधुआ बनाए गए बाल मजदूरों की व्यवस्था, यातना और उनकी त्रासद जीवन की कथा कही गई है, वह नाटक आपके लिए बताना है, मृदुला गर्ग का कौन सा वह नाटक है, बताइए, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर, क्या राइट आंसर, 89 में बताना है तो बी राइट आंसर है, जादू की कालीन आपका सही राइट आंसर, जादू का कालीन ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर आपसे 90 पूछा गया है, चोर निकलकर भागा नाटक की लेखिका कौन मानी जाती है, 90 में बताइए, मन्नू भंडारी है, मृदुला गर्ग है, मृणाल पांडे है, शोभना भूटानी है, बताइए। चोर निकल के भागा नाटक की लेखिका आपके लिए बताना है, 90वां क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर होगा मुनीश जी। बिल्कुल अलका जी, ये क्वेश्चन जो है नए नए क्वेश्चन है आपके, तो नए नए भी आपके लिए पढ़ना चाहिए। चोर निकल कर भागा नाटक की लेखिका मृणाल पांडे मानी जाती है, विकल्प नंबर सी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, शायद यहाँ के नाटककार कौन माने जाते हैं, नए नए क्वेश्चन है, शायद हाँ है, शायद हाँ नाटक के नाटककार कौन माने जाते हैं, मृणाल पांडे हैं, शांति जोशी है, मैत्री पुष्पा है या फिर शोभना भूटानी है, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 91 और 91 का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि शोभना भूटानी। शोभना भूटानी आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर आपके लिए आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। जांच पड़ताल के रचनाकार आपके लिए बताना है, 92 का राइट आंसर बताइए, सभी लोग चयन कीजिएगा। तो जांच पड़ताल के नाटक का रचनाकार माने जाते हैं कौन, 92 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा, 92 में विकल्प नंबर आपका जो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर आप सभी का संजय सहाय आपका सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही, जांच पड़ताल होगी तो संजय जो है सहाय करेंगे, जांच पड़ताल में संजय सहाय करेंगे, तो संजय सहाय का ये जो है नाटक माना जाता है जांच पड़ताल, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मृणाल पांडे का नहीं है, 93 का सही राइट आंसर आपके लिए चयन करना है, बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर। रेणु जी और दीपक गिरी जी, रंगभत या फिर मौजूदा हालात देखते हुए जो राम रचि राखा काजर की कोठरी, मृणाल पांडे का नाटक नहीं है, 93 में विकल्प नंबर एक सही राइट आंसर होगा, यानी कि रंगभात आपका सही राइट आंसर होगा। ये नाटक जो है मृणाल पांडे का नहीं है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर दीपक जी चयन किया है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 94 पूछा गया है, जस्मा ओलम नाटक की लेखिका कौन मानी जाती है? जस्मा ओलम, उषा प्रियंवदा, चित्रा मुदगल, शांति जोशी या फिर शिवानी? 94 का सही राइट आंसर चेंज करना है, क्या होगा सही आंसर बताइए। पायल जी सभी लोग बताएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि जस्मा ओलम नाटक की लेखिका मानी जाती हैं शांति जोशी। शांति जोशी आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर यहाँ पर सी सभी लोग बता रहे हैं, सी आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 95 क्या पूछा गया है दे रहा, नेपथ्य राग नाटक की लेखिका बताना है, नेपथ्य राग कुसुम कुमार, कमल कुमार, मीरा कांत या शिवानी? प्रियंका जी क्या होगा सही राइट आंसर? सभी लोग चयन करते जाइएगा, लाइक भी करते जाना है सभी के लिए। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेपथ्य राग नाटक की लेखिका पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है, नेपथ्य राग नाटक की लेखिका मानी जाती हैं कौन? वह मानी जाती हैं मीरा कांत, बिल्कुल सही राइट आंसर है मीरा कांत, जिन्होंने भी चयन किया है विकल्प नंबर सी, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। आगरा बाजार नाटक के लेखक आपके लिए बताना है, आगरा बाजार त्रिपुरारी शर्मा, हबीब तनवीर, जी जी हरिजीत या फिर किरण चंद्र शर्मा, बताइए क्या होगा सही आंसर, चयन करना है। ओम प्रकाश जी आगरा बाजार नाटक के लेखक बताना है, 96वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 96 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर जो बी, हबीब तनवीर, हबीब तनवीर आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी होगा मोहित जी, बिल्कुल सही राइट आंसर है, हबीब तनवीर जी का ये नाटक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 97 पूछा गया है, कली कौतुक रूपक के लेखक कौन माने जाते हैं? प्रेमघन है, प्रताप नारायण मिश्र है, बालकृष्ण भट्ट है या राधा कृष्ण दास है? कली कौतुक रूपक मुकुंद जी बताइए। तो आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, कली कौतुक रूपक के लेखक आपको बताना है और प्रमोद जी यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है 97 में प्रताप नारायण मिश्र, बिल्कुल सही राइट आंसर है, कली कौतुक रूपक का भी जो है प्रताप होता है, तो प्रताप नारायण मिश्र जी इसके जो है लेखक माने जाते हैं। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अंधों का हाथी एक था गधा नाटक किसके हैं? बताइएगा, शरद जोशी के नाटक हैं, रमेश बख्शी, गोविंद्र चातक या फिर मणि मधुकर? चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, 98वां क्वेश्चन है कि अंधों का हाथी और एक था गधा नाटक किसके माने जाते हैं? तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 98 में कि अंधों का हाथी जो था और एक जो गधा था, ये जोश में आ जाते थे जल्दी, अंधों का हाथी और एक था गधा ये जोश में आ जाते थे बहुत जल्दी, तो ये राजे शरद जोशी जी के जो हैं नाटक माने जाते हैं, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा शिल्पा जी। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया है, एक और विक्रमोर्वशी नाटक किसके हैं? ये आपके लिए बताना है, बताइए डॉक्टर विनय या डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ल, जी जी हरिजीत या फिर विश्वेश्वर? 99 में चयन करना है, 99 में आपके लिए चयन करना है सही राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। दिनेश जी, जी जी हरिजीत आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, सबसे उदास कविता के नाटककार कौन माने जाते हैं? राजेश जैन है, स्वदेश दीपक है, अब्दुल बिस्मिल्लाह है या शंकर शीश है? बताइए अंजू जी, सबसे उदास कविता नाटक के रचनाकार आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं और 100 में सभी लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो भी है स्वदेश दीपक, वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर, नीतू जी सुनीता जी सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 101 दिया गया है,
कि बोल्ड आधुनिकतावादी तथा विडंबना एवं विसंगति के नाटककार कौन माने जाते हैं? 101 में शंकर शेष है, मणि मधुकर है, रमेश बख्शी है या फिर हमीदुल्ला है, बताइए। जी बिल्कुल रितेश जी, आप सभी का यहाँ पर 101 का सही राइट आंसर। बोल्ड आधुनिकतावादी तथा विडंबना एवं विसंगति के नाटककार कौन माने जाते हैं? 101 में आप सभी का सही राइट आंसर है रमेश बख्शी। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर जो है चयन किए हैं, बहुत बढ़िया। इस प्रकार के क्वेश्चन थे आज की क्लास में अपने। कल अपन पढ़ेंगे कहाँ पर एकांकी, एकांकी विधा को स्टार्ट करते हैं कल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज रात्रि में 10 बजे एक क्लास लाई जाती है, सुबह 9 बजे एक क्लास होती है लाइव क्लास हिंदी साहित्य की। मनीष जी कोई बात नहीं, तो आप सभी को यहाँ पर हिंदी साहित्य में 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से। जो भी ये टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहता है मात्र 299 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हैं। 4700 इसमें प्रश्न होंगे, नंबर दिया गया, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस ऐप पर। इस ऐप की जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप जाकर इसको डाउनलोड कर ले और जो भी परचेस करना चाहते हैं वह परचेस कर सकते हैं। सुनीत जी बिल्कुल, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेहा जी, अलका जी, अनिल जी और यहाँ पर दीपक जी, राजीव जी, आस्था जी, रेणू जी, नीतू जी, दीपक जी, नीता जी, प्रमोद जी, ओम प्रकाश जी, कार्तिक जी, देवव्रत जी, रौली जी, पापा की सिरनी, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रमा जी और मुनीश जी, यश कुमार जी, प्रियंका जी, संगीता जी और लवली जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सभी लोग करते जाइएगा। सरिता जी, पूजा जी, मंजू जी और सुनीता यादव जी, दीपक गिरी जी और राजीव मौर्य जी, तनु जी, अंश जी, नीलम जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू गुप्ता जी बिल्कुल, और रोज इसी तरह से जो है सभी लोग जुड़िएगा। शाम को 1-4 बजे स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल पर क्लास लाई जाती है, उससे भी सभी लोग जुड़िएगा। पूजा जी और ओम प्रकाश जी, रेशमा यादव जी, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी और सभी के लिए, मंजू जी, शुभ रात्रि और सभी के लिए जय हिंद।